नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी सदन के अंदर विपक्ष ने रुपेश पांडे हत्या को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही मॉब लिंचिंग को लेकर विपक्ष का ये आरोप है कि एक समुदाय को खुश करने के लिए सरकार ने इस तरीके का कानून बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपूरक बजट को भी लेकर आज परिचर्चा की गई, लेकिन विपक्ष ने इस पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि पिछले बजट को अगर देखें तो सरकार ने अब तक 40% भी खर्च नहीं किया है, तो ऐसे में अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अनुपूरक बजट की ज़रूरत थी क्योंकि वित्त स्थिति जो इस वक्त झारखंड में बनी हुई है, ऐसे में अनुपूरक बजट लाना बेहद ज़रूरी था। क्या कुछ सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक कह रहे हैं, सुनिए। जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे थे, उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कार्यस्थगन के माध्यम से हमने लाया था। जिस प्रकार से सदन के बाहर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घट रही है, रुपेश पांडे को सरेसाम भीड़ के साथ मिल करके उसको उनकी हत्या कर दी जाती है। साहिबगंज में एक दलित युवक को पुलिस अभिरक्षा में पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। सिमडेगा के अंदर संजू प्रधान की हत्या कर जाती है। उसको लेकर के जहां विधानसभा के अंदर हमने कार्यस्थगन के माध्यम से प्रस्ताव लाया और सरकार उस पर मौन रही। दूसरी ओर साहिबगंज जिले की ज्वलंत समस्या, खास महल की समस्या, जिसे पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने झारखंड के अन्य हिस्सों को जोड़ते हुए फ्री होल्ड करने का काम किया था, लगातार विधानसभा के अंदर इसकी आवाज़ उठाने के बाद भी आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का मेरे प्रश्न के जवाब में जो उत्तर आया, वह उत्तर हमें वास्तव में निराश किया। वहीं दूसरी ओर सदन के अंदर हम सबको आशा था कि राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट लाई है और अनुदान मांगों के समर्थन में सरकार अपना पक्ष रखेगी, लेकिन जिस प्रकार से लाए गए हमारे द्वारा कटौती प्रस्ताव के, जब हमने सदन के माध्यम से सरकार से ये जानना चाहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विकास कैसे रुका पड़ा है, राज्य सरकार कल ही बजट आने वाला है और मूल बजट को एक 40% भी राशि खर्च नहीं कर पाई, वहीं दूसरी ओर अनुदान मांग करके और ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा राज्य के आधारभूत संरचना ग्रामीण पुल के लिए 210 करोड़ का डिमांड था और अनुदान के बहाने मात्र 2 करोड़ आवंटित किए गया। यानी गांवों के विकास के बारे में मुझे आशा था कि उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री जी गाँव के विकास के बारे में, उच्च स्तरीय पुल के बारे में चर्चा करेंगे, पीडीएस के लिए जो लोग था उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई भी चर्चा नहीं किया, न उस चर्चा का उत्तर देना वास्तविक समझा। इसलिए यह केवल राज्य सरकार केवल लोगों की भावनाओं को आपस में भाई भाई को लड़ा करके, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके और उसके आधार पर ये सरकार आज चल रही है। जो एक डॉक्टर है, MBBS MD डॉक्टर हूँ और मैं यूक्रेन से पास आउट, मैं देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा हूँ कि हमारे बच्चे भारतीय, लगभग 30,000 बच्चे फंसे हुए और वो लोग तड़प रहे हैं लगातार, आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से बचाव की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उनकी सुधी नहीं ले रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं ला रहे हैं, ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं। तो मेरा ये मांग होगा कि राज्य सरकार, हमारी झारखंड से भी कई बच्चे फंसे हुए हैं और उनको हर हाल में लाना है, ये जवाबदेही राज्य सरकार को है। इरफान अंसारी यूक्रेन जाना चाहता है, मैं उन बच्चों को लाना चाहता हूँ किसी कीमत में, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, मुसीबत में, खाना नहीं मिल रहा है, -3-4 डिग्री है वहाँ, कौन देखेगा वहाँ, जो इंडियन एम्बेसी है वो हाथ खड़ा कर लिया है, वो लोग सड़क पर हैं और ये हम कह सकते हैं वो लोग अगर सरकार पहल नहीं करेगी तो हम लोग अपने बच्चों को खो देंगे।
नहीं देखिए, ये बहुत पहले से देखिए, इस स्टेट में 9 मान्यता प्राप्त भाषा है, 5 आपका जनजातीय भाषा है, 4 आपका क्षेत्रीय भाषा है, और इसके संबंध लगातार कहीं ना कहीं पदाधिकारियों का ही गोल में लटपट करने के चलते, आपका सचमुच में अगर बोलिएगा तो प्राइमरी स्तर पर टीचर नहीं है, माध्यमिक भी टीचर नहीं है, लेकिन सरकार को प्रयास करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, और लोगों को उसी ने मैं कहा जनभावना, और इस तमाम चीज़ों में कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी कहा है कि भाई यहाँ पर ऐसी इनकी भाषा संस्कृति परंपरा जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए हम इसी के अनुरूप में यहाँ काम करें, इस पर किस तरह का समझौता पार्टी नहीं करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार को कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और गठबंधन सरकार को कि तुरंत सर्वदलीय बैठक बुला के राय लें, इस राय को ईगो में भी नहीं लेना चाहिए, राजहित में फैसला ले लिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री अगर इस पर फैसला लेते हैं तो उसको यहाँ के राज्य के लोग उसको याद करेंगे उसको, इसलिए मुख्यमंत्री को इसका मैंने क्रेडिट भी अपने ले लेना चाहिए, इसे जल्द से जल्द बिना विलंब किए हुए इस नीति को परिभाषित कर दिया जाना नहीं मिला था 500 महीने से, और परसों मैंने बात किया संबंधित सेक्रेटरी सचिव से, उन्होंने कहा कि आज परसों दिन पूरा पैसा पूरे राज्य में चला गया, अब बांटने में समय लगेगा, कुछ हफ्ता भर लग जाएगा सर बांटने में, है ना, पैसा चला गया इतना मैं आपको कहूँगा। सर प्रगतिशील यूनियन मजदूर यूनियन का बैठक है, धरना है कल से, अनिश्चितकालीन धरना में बैठ रहे हैं वो लोग, उन पर क्या विचार है? हमारे सब्जेक्ट से बाहर सर, और एक आरोप है पीडीएस दुकानदारों का कि सर बजट में दुर्मंतर है, बहुत अंतर सर, पीडीएस दुकानदारों का एक कहना हमारे विभाग से संबंधित है और प्रॉब्लम हो रहा है, पहले आपको समझा दूं कि होता क्या है। लाल कार्ड और पीला कार्ड जिसको बोलते हैं वो अनाज आता है FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, भारत सरकार का, वहाँ से भारत सरकार देती है, हम उसको ड्रो करके पहुँचा देते हैं डीलर तक, डीलर को बांटना है, अब बांटने का ट्रांसपेरेंट तरीका है कि बायोमेट्रिक लेकर के ई पोज मशीन से बांटेंगे, है ना, बांटेंगे ई पोज मशीन से बांटेंगे तो चढ़ेगा पोर्टल जो FCI का उसमें दिखाई देगा।